हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो देख लीजिए, सुबह के बज रहे हैं अभी 6:30 समथिंग हो गया था टाइम, और थोड़ा थोड़ा धूप आना स्टार्ट हो गया था हमारे गांव में, मतलब आंगन में। तो देख लीजिए, मोनू का बदमाशी चिल्ला रहे हैं इधर से, और मैं शूट कर रही हूँ। आज बड़ी बना रहे हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग जब काम पे जाएंगे तो ये वाला बड़ी को लेके जाएंगे, इसीलिए मेरी मम्मी मेरे लिए बना रही है, देख लीजिए। और ये सुबह से पीस पास के सब मतलब फेंट, शाम को पीसे थे और रख दिए थे, फिर सुबह से फेंटे हैं उसको। वो क्या बोलते हैं, कोहड़ा के साथ में वाइट कद्दू आता है ना, पेठा कद्दू, उसके साथ में फेंटे हैं, और उसके बाद बना रहे। उसका ब्लॉग शूट नहीं कर पाए क्योंकि रात हो गया था, अंधेरा दिख रहा था, हमारे घर में लाइट नहीं था उसके वजह से। तो आज सुबह से फेंट के इसको बना रहे हैं, और मैं और दीदी लगे हुए हैं सुबह सुबह। ये सुबह दिन भर सूखेगा 2 दिन तक, उसके बाद ये जल्दी सूख जाएगा, इसीलिए छोटा छोटा थोड़ा बना रही हूँ मैं। और मैं दीदी को बोल रही थी थोड़ा छोटा बनाओ बोल के। सो फ्रेंड, किसके किसके यहाँ बड़ी बनाया जाता है कमेंट करके बताना। हमारे यहाँ तो बनाया जाता है, छत्तीसगढ़ उड़ीसा में कोड़ा बड़ी बहुत ज़्यादा फेमस है, जिसको कि पेठा कद्दू के साथ में मिक्स करके बनाते हैं विदाउट सॉल्ट। अगर इसमें मसाला जीरा वगैरह कोई कोई डालते हैं, लेकिन हम लोग नहीं डाल रहे हैं, बिना सॉल्ट के बिना कुछ दिए बस कोड़ा के साथ मिक्स करके बना रहे हैं। और ये धोती है, धोती मतलब जो नीचे पहनते हैं जेंट्स लोग, और उसको क्लीन कर दिए हैं, पतला वाला है, उसके ऊपर में थोड़ा वो प्लेन चटाई दिए हैं, क्योंकि खाट हमारा उबड़ खाबड़ है, इसीलिए चटाई दिए हैं ताकि उसमें उबड़ खाबड़ ना हो। और ये रात मतलब दिन भर में थोड़ा सूख जाएगा, दिन भर में नहीं पलटेगा तो उसके अगले दिन पलट जाता है। क्या कुछ खाना है, जाओ कुछ खाओ, उधर पानी बोतल है ना बेटा, जाओ। तो मैं मोनू को पानी दे देती हूँ, मोनू पानी मांग रहे हैं, और मैं बाहर में बैठ के वॉइस ओवर कर रही हूँ अभी। और ये बदमाशी कर रहे हैं, मेरे को परेशान कर रहे हैं, इनका दिन भर का वही काम है मेरे को परेशान करना बस। और मेरे को ब्लॉग एडिट करने में नहीं देते। और नीनी देखो हमारी खड़े होकर देख रही है, ये नीनी को मैंने फ्रॉक खरीद के दिया है, कितना सुंदर लग रहा है ना उसका फ्रॉक, वीडियो में एकदम क्लियर आ रहा है, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है ये वाला फ्रॉक मुझे, क्योंकि मैंने ही खरीद के दिया है। ये मोनू का ड्रामा देख लो, चॉकलेट खा रहे हैं, लॉलीपॉप पे एक्टिंग कर रहे हैं। तो थोड़ा थोड़ा पानी छू के थोड़ा थोड़ा बना रहे हैं हम लोग, मैं और दीदी। तो ये दीदी का नाइटी, आप लोग मेरे को इसी मतलब नाइटी में देख रहे होंगे, क्योंकि मैं सुबह सुबह यही पहनती हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है। मैं कहीं जाती हूँ तो मेरा ड्रेस पहनती रही, तो नाइटी पहन लेती हूँ, मज़ा आता है मेरे को। घर में थोड़ा लूज़ लूज़ पहनना पसंद है इसी वजह से, और थोड़ा हल्के कपड़े जो है अच्छे लगते हैं। उसके बाद मैं काटती हूँ कुंदरू, जो कि तोड़ के मतलब तोड़े हैं पापा, बबूल का पेड़ में था तो पापा तोड़े हैं कुंदरू, तो मैं कुंदरू काट रही हूँ, देख लो झिल्ली में रखा हुआ है। और उधर मैंने काटा है बरबट्टी और बैंगन, वो भी बनाएंगे सब्जी। तो घर में रहने से मैं यही सब काम करती हूँ, चॉपिंग वगैरह। ये हम लोगों का कमरा है घर का, ये घर का कमरा, एक बंडू काट रहे हैं, ये वाला सब्जी बनाएंगे, इधर भी दिखा वाला, दो सब्जी बनाएंगे सब घर का है दोस्तों, देख लीजिए घर में सब जगाए हैं क्या बोलते हैं, दिखा दो उधर बरबट्टी, और उधर नहीं मिलता बरबट्टी, हाँ वो बोलता क्या बोलते हैं, बीन्स मिलता है उधर, ये वाला, ये मिच्चोर ने बारा छोड़ दो, जला ने बारा जी हैं, याद दिलाओ, लिखी लिखी रोकी दो उठ उठ, कोला पत्थर मिलू जी मामा, পতর কে বাটি মস্ত চিকন বাটি চিকন ফুলছে।
सो फ्रेंड, खाना वाना खा के हम लोग आ गए हैं नाइट में देखने के लिए। तो ये जब नवरात्रि का दिन था उस दिन का ब्लॉग था, तो मैंने ही एडिट कर पाई थी, तो अभी डाल दे रही हूँ। देख लीजिए हमारे यहाँ कैसे प्रोग्राम होता है। दीदी मम्मी सब गए हुए हैं और ये आज शायद उस दिन का है ये, जब क्या बोलते हैं, एक मिनट रुको मैं थोड़ा देख लेती हूँ, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रही है। दीदी लोग देख लीजिए, नीनी भी गई है, सब लोग हम लोग देख रहे हैं। हमारे गांव का कितना भीड़ होता है देख लीजिए आप लोग भी। और ये जब रावण दहन होता है ना उस दिन का ब्लॉग है दोस्तों। तो उधर से राम जी आ रहे हैं, इधर से डीजे बज रहे हैं, राम लक्ष्मण छोटे छोटे बच्चे लोग बने हुए थे, तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। और उसके बाद में प्रोग्राम होता है, तो कुछ ज़्यादा शूट नहीं कर पाई थी मैं, दो तीन प्रोग्राम का शूट की थी। तो आप लोग प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारे चैनल को, ऐसे ही होता है दोस्तों। और इधर मैं शूट कर रही थी और मेरा फ्रंट कैमरा अच्छे से काम नहीं कर रहा था। ये मोनू का मोबाइल है, मेरा मोबाइल तो बंद ही हो गया है क्योंकि डिस्प्ले उड़ गया है, इसलिए तो फ्रंट कैमरा ढंग से काम नहीं कर रहा था, तो अच्छे से फेस नज़र नहीं आ रहा था उसमें। और बैक कैमरा ही अच्छे से काम कर रहा है, तो मैं ही शूट कर रही हूँ। अनिनी शूट कर रही, तो बहुत ज़्यादा हिलाती है, तो इसकी वजह से मिनी को नहीं दी हूँ क्योंकि उसको नहीं आता है, अभी बच्ची है, तो इसी वजह से। और मेरी दीदी को तो बिल्कुल भी नहीं आता, मेरी मम्मी को भी नहीं आता है, नीनी को थोड़ा बहुत आता है लेकिन वो बहुत ज़्यादा मोबाइल हिलाती है। तो ये देख लीजिए, दर्शन कर लीजिए राम लक्ष्मण के। और जो हनुमान जी थे वो जाके, मतलब जो दुकान लगे हुए रहते हैं उसमें जाके कुछ भी चीज़ उठा के खा सकते हैं उस दिन, उनका मतलब फ्री रहता है, कोई भी चीज़ उठा के खाएंगे तो कोई भी मना नहीं करते हैं। तो जा के दुकान में कुछ भी उठा उठा के खाते थे, तो उनको नहीं दिखा पाई इसी वजह से। और भीड़ देख लीजिए दोस्तों, हमारे गांव में कितना ज़्यादा भीड़ लगता है, ये देख लीजिए भीड़, आप लोगों को समझ में आ गया होगा, पूरा मेला लगे जैसे भीड़ है, काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। और ये हमारे गांव का है, हमारे गांव से जस्ट एक डेढ़ किलोमीटर में ये लगता है, और वहीं पे हम लोग जाते देखने के लिए, मैदान है, तो वहाँ राम लक्ष्मण क्या बोलते सॉरी रावण बना हुआ है, प्रोग्राम यहाँ पे होगा। और काफ़ी ज़्यादा भीड़ को देख के मेरे को थोड़ा खुशी हो रहा था, और ये सब देखने के लिए मुझे काफ़ी सालों के बाद मिला था दोस्तों, क्योंकि मैं इतने सालों से घर नहीं गई। उधर पूरा झूला वूला सब लगा हुआ है बच्चे लोगों के लिए, इतने सालों से मैं घर नहीं गई थी, और मतलब इस टाइम में नहीं गई थी, पिछले बार 3 साल जब पहले गई थी तो उस टाइम ये सब ख़त्म हो चुका था, दुर्गा सीजन में हम लोग नहीं जा पाए थे। तो ये दुर्गा सीजन का है जब नवरात्रि चल रहा था उस टाइम। और रावण देख लो, उधर रावण बना हुआ है और इधर प्रोग्राम होता है, कुछ भी जैसे नाटक वाटक करवाते हैं, कोई प्रोग्राम होता है तो इधर करवाते हैं। तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर देना, ब्लॉग कैसे लगा कमेंट करके जरूर।